नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीरा द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करिएगा, ताकि दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को पहुँच सके। बहरहाल आज हम बात करते हैं कि जो पत्नियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी पत्नियाँ हैं जो वेल एजुकेटेड हैं और वो नौकरी कर सकती हैं, कुछ नौकरियाँ कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपने पति से वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस ले रही हैं या फिर वो सोच रही हैं कि मेंटेनेंस का केस किया जाए, क्योंकि उनको अपनी जो कमाई है उसमें उनकी भरपाई नहीं हो पा रही, उनका पेट नहीं भर पा रहा है। तो वो चाहती हैं कि हम अपने पति से, जिसके काम हम बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, जिसको हमने त्याग दिया है और जिसको जिसके जिसके हमने घर परिवार पूरा खत्म कर दिया है, जिसका वंश पूरा खराब कर दिया है, अब हम चाहते हैं कि उससे एक और उसको प्रताड़ित किया जाए और उसके उससे हमें हम मेंटेनेंस मांगे। तो मेंटेनेंस के लिए आज मैं बताऊंगा आपके लिए कि परिवार में अगर पत्नी आपकी आपसे अलग है, आपसे दूर है और वो जॉब करती है, तो क्या वो मेंटेनेंस की हकदार होती है या फिर नहीं। इसी सवाल पे मैं आपको चर्चा करूंगा और बताऊंगा आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या वो हकदार होती है या फिर नहीं होती है। पूरा मैं आपको डिस्क्रिप्शन के साथ में बताऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत से इसको सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर पहुंचाइएगा। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो पति पत्नी के आज के टाइम में आपको कोर्ट में मिलेंगे। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, देखने जाते हैं, तो आप फैमिली कोर्ट की तरफ एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि फैमिली कोर्ट में आपको पता लगेगा कि फैमिली आज के टाइम में हर दूसरी तीसरी फैमिली जो है वो कोर्ट में घूम रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो बदलाव, यानी कि जिस पत्नी जो है वो ससुराल में जाती है, तो एक कुछ बदलाव उसकी ज़िंदगी में होते हैं, यानी कि उस परिवार में ढलने के लिए, उस परिवार में से रहने के लिए कुछ बदलाव उसके जीवन में होते हैं। बस वही बदलाव उसको पसंद नहीं है, जिस बदलाव की बदलाव को वो नाम देती है टॉर्चर। यानी कि अगर आप उसको बदल रहे हैं, आप उसको देख समझा रहे हैं कि घर परिवार में रहना है, घर परिवार को संभालना है, उसको किसी प्रकार से जोड़ना है, घर में जो काम है छोटा मोटा वो काम करना है, बाकी सब चीज़ें समझानी है या तो समझनी है, तो अगर आप समझा रहे हैं, चीज़ समझा रहे हैं ना, तो वो आपको टॉर्चर लगेगा। अगर कुछ ननद कुछ समझा रही है, सास कुछ समझा रही है, तो वो ये बताएगी कि मुझे मेरी ननद टॉर्चर करती है, मेरी सास टॉर्चर करती है। और फिर अगर किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आपने कुछ उससे कह दिया कुछ गुस्से में, या फिर आपने सोचा कि उसको चांटा ही मार दिया, तो उस चांटे की गूंज जो है वो कोर्ट तक जाएगी। यानी कि उसके बाद जो है हो सकता है कि वो रिश्ता ख़राब हो जाए और वो कोर्ट कचहरी के रास्ते तक पहुँच जाए। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी हैं, मैं सबके लिए नहीं कहता हूँ, कुछ के लिए कहता हूँ, जो झूठा परिवार में अपना ख़राब कर रखा है, झूठे केस डाल देती हैं और बाद में सोचती हैं कि अब पति जो है हमारे पास आएगा, हमें बुला कर ले जाएगा, लेकिन वो गलत सोचती हैं और वो जीवन पूरा जीवन जो मायके में ही गुजार देती हैं, अपने भाई के साथ में या फिर अपने माता पिता के साथ में। आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो महिलाओं के सबसे ज़्यादा कोर्ट में हैं। सबसे पहले महिला कोर्ट में जाती है और धमकी भी देती है, हालांकि जब घर परिवार ठीक ठाक नहीं चल रहा है और घर में है, तो घर में भी वो धमकी देती है कि मैं तुम्हारे परिवार को फंसवा दूंगी। बहुत से तो जगह ऐसा देखा गया कि अगर जो बेटी है मतलब बहू है, अगर उस घर को छोड़कर किसी लड़ाई झगड़े के कारण मायके चली जाती है, तो मायके वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं, उसको सहाय करते हैं कि अच्छा ऐसे कहा वैसे कहा। वो अपनी झूठी कहानी जो है माँ बाप को बताती है और माँ बाप जो है उसके उसी की झूठी कहानी में बह जाते हैं और फिर धमकी वो भी देना शुरू करते हैं कि हम अपनी बेटी को तुम्हारे घर नहीं भेजेंगे और हम तुम पे अब केस करेंगे। तो केस तो ऐसे समझते हैं जैसे तोप हो कि भाई अब केस करेंगे तो फिर अब इनको खत्म कर दिया जाएगा, इनको कुछ नहीं छोड़ा जाएगा इन पर। हालांकि जब वो केस लड़ा लेते हैं, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल हो जाते हैं, लड़की को भी पता लग जाता है कि अब मेरे माँ बाप भी मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो भी अपने बेटे की देख रहे हैं, तो वो फिर उसको अकल आ जाता है कि हाँ अब मुझे घर देखना चाहिए, अपना परिवार देखना चाहिए, अपने सास ससुर या फिर अपने पति को देखना चाहिए, मैंने गलत किया है। उसको आता है समय के अनुसार जो है वो रियलाइज होता है कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं गलत किया है। वो ये सोचते हैं कि मुझे गलत किया है, मेरे साथ में गलत किया। गलत कहीं नहीं होता, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, अगर आप नए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप नए घर में किसी में जाते हैं, वहाँ पर एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ता है। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आप सोच कर देखिए कि जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहाँ पर भी कुछ परेशानियाँ, कुछ आपको मतलब एग्जाम टाइप जैसे टेस्ट होते हैं ना, वैसे टाइप आपको वहाँ पास करने होते हैं ताकि आप उस घर में एडजस्ट कर सकें। और जहाँ जिसने इंसान ने परेशानी में भी अपने पति का साथ दिया, तो वो पूरा जीवन भर उस पत्नी जो है वो उस पति का साथ देगी। लेकिन कहीं पर क्या होता है कि जहाँ पर पत्नी को पति को या पत्नी को थोड़ा परेशानी हुई, तो वो अलग होने की कोशिश सोचते हैं और फिर केसेस में बात आती है। पत्नी सेक्शन 498A कर देती है, DB कर देती है, मेंटेनेंस कर देती है,
ऐसे कई प्रकार केस करती है, वो सोचती है कि पति को ही परेशान किया जाएगा, उसको टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पत्नी टॉर्चर ना होकर, मतलब पति टॉर्चर ना होकर पत्नी ही टॉर्चर होती है। कई कई साल मुकदमे में अकेले ही चली जाती है, और बाद में हर बार ये कहती है वकील से, वकील साहब वो तो आ नहीं रहा है, वो तो मुझे मेंटेन दे रहा है, मुझे वो तो किसी केस में नहीं आ रहा, मैं ही अकेले आ रही हूँ। तो आप सोच कर देखिए कि आपने जिस टाइम ये सोचा था डालने की, केस डालने की सोची थी, उस समय क्या सोचा था आपने कि पति को ही परेशान करेंगे, उसको हम जेल भिजवाएंगे, हम ये करवाएंगे, वो करेंगे। कई प्रकार के आपके मन में मतलब सपने थे, और बाद में सारे सपने आपके टूट गए, और अब आपको पता लगा कि आप मुझे ही केस में जाना पड़ता है, पति मेरा आता ही नहीं है। तो ऐसे अब सबको, कोर्ट कचहरी थाने सबको मालूम है कि ये महिलाएं जो है वो सिर्फ अपनी किसी न किसी का किसी प्रकार की कोई रंजिश या फिर किसी प्रकार की अपना गुस्सा उस पति और पति के परिवार पर निकाल रही हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको मतलब समझ लेनी चाहिए कि जरूरी है कि परिवार में अगर थोड़ा बहुत परेशानी आ रही है, आज हर परिवार में परेशानी आती है, लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, लेकिन जहाँ कोर्ट कचहरी या थाने पहुँच जाते हैं तो वो लड़ाई नहीं रहती है, फिर वो दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। तो ये जरूरी है आपको समझना। तो बहरहाल मैं आज बताता हूँ कि अगर मान लो आपकी पत्नी जो है वो मेंटेनेंस जॉब कर रही है, और वो फिर भी मेंटेनेंस के लिए मतलब उसने एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में या फिर केस किया है, तो क्या वो हकदार है या फिर नहीं है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, अगर वो मेंटेनेंस, पहली बात तो वो खुद सोच लेगी कि मैं जॉब करती हूँ, अच्छी खासा कमाती हूँ, तो मुझे ज़रूरत ही क्या है मेंटेनेंस की। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, कुछ ही सोचती हैं मैं तक उसको छुपा लूंगी, बताऊंगी नहीं, और मेंटेनेंस का केस करूंगी, और मेंटेनेंस उससे पति से लूंगी। अब यहाँ पर पति को जरूरी है कि वो उसकी जानकारी रखे कि वो कहाँ जॉब कर रही है। अगर वो ये बात साबित कर देता है कि हाँ पत्नी जो है वो अच्छा खासा कमाती है और पति से ज़्यादा कमाती है, तो फिर आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत पड़ा आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो कोर्ट खुद देखता है। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि आप ओरली कह रहे कहते कहना ये तो वहाँ जॉब करती है, ये तो इतना कमाती है, ऐसा नहीं। आपको वो चीज़ साबित करनी पड़ती है, आपको उसकी सैलरी स्लिप या फिर उसकी जो जो वहाँ जॉब कर रही है, और उसने झूठ बोला कि मैं कहीं जॉब नहीं कर रही हूँ, और फिर आप उसका किसी प्रकार से वो कोई कंपनी का या फिर किसी का कोई कोई मतलब एविडेंस इससे दे सकें, ये बता के हाँ ये यहाँ पर जॉब कर रही है, अभी परसों मतलब जॉब कर रही है लगातार, तो वहाँ पर जो है वो झूठा अगर वो साबित होती है, तब भी वो मेंटेनेंस का जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा। और अगर वो आप ये साबित करते हैं कि हाँ ये कमाती है इतना, तब भी आपका जो जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप ओरली ना कहकर, आपको ज़रूरी है कि आप हर चीज़ का जो मतलब जो उसने पत्नी ने आपको बताया कि मैं कुछ नहीं कमाती हूँ, क्योंकि तो ऐसा लिखते हैं कि मैं कुछ नहीं कमाती हूँ और पति मेरा इतना कई गुना और कई लाख रुपए कमाता है, तो उस समय पर आपको ज़रूरी है कि आप उसका जो पत्नी कमाती है, बनाती है, जो भी अर्निंग है उसकी, तो उसका आप सैलरी स्लिप या फिर उसका अर्निंग सोर्स जो भी है, जिस तरीके से वो कमाती है, उसका आप उस कोर्ट में लगाएं और उसको कोर्ट को बताएं कि हाँ ये लड़की जो है वो अर्न करती है, यानी कि ये सक्षम है पैसा कमाने में, सक्षम है जॉब करने में, सक्षम है अपने आप को संभालने में। तो ये आप कोर्ट जो है, कोर्ट आपको कहीं ना कहीं इसमें सहूलियत देगा, राहत देगा, और कोर्ट के सामने आप मतलब पारदर्शी रूप से आप उस चीज़ को साबित कर देंगे, तो डेफिनेटली आप इन चीज़ों से भी बच जाएंगे। तो मेरी एक कोशिश थी कि मैं आपको इन चीज़ों समझाऊँ। अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी है या फिर कुछ आपको समझना है, तो आप हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, दिए हुए नंबर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।